हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक न्यू कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है चूहा और बैल। एक नन्हा सा चूहा था, वह अपने बिल से बाहर आया। उसने देखा कि एक बड़ा बैल पेड़ की छाया में सोया हुआ है। बैल जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। चूहा बैल की नाक के पास गया और मजा लेने के लिए उसने उसकी नाक में काट लिया। बैल हड़बड़ा कर जाग गया। दर्द के मारे वह जोर से डकारा। इससे घबरा कर चूहा सरपट भागा। बैल ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया। चूहा दौड़कर झटपट दीवार के छेद में घुस गया। अब वह बैल की पहुंच से बाहर था, पर बैल ने चूहे को सजा देने की ठान ली थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अबे नालायक, मैं तुझे एक ताकतवर बैल को काटने का मजा चखाऊंगा। बैल ताकतवर था। उसने अपने सिर से दीवार पर जोर से धक्का मारा, पर दीवार भी बहुत मजबूत थी। उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि बैल के सिर में ही चोट लगी। यह देख कर चूहे ने बैल को चिढ़ाते हुए कहा, अरे मूर्ख, बिना मतलब अपना सिर क्यों फोड़ रहा है? तू कितना ही बलवान क्यों न हो, पर हमेशा तेरे मन की तो नहीं हो सकती। बैल अब भी चूहे को बिना दंड दिए छोड़ देने को तैयार नहीं था। चूहे जैसे एक तुच्छ प्राणी ने उसका अपमान किया था। इस समय वह बहुत क्रोध में था, पर धीरे धीरे उसका जोश कम हुआ। उसे चूहे की बात सही मालूम हुई, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला गया। चूहे के ये शब्द अब भी उसके कान में गूंज रहे थे, तू कितना ही बलवान क्यों न हो, पर हमेशा तेरे ही मन की तो नहीं हो सकती। शिक्षा बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।